हम बात कर रहे हैं IRCTC की। आज के दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% तक का अपसाइड फिलहाल स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं इस अपसाइड के साथ स्टॉक 944.40 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, 940 पर रिजेक्शन फेस कर रहा था। हमने डिस्कस किया था इसको ब्रेकआउट कर सकता है स्टॉक, क्योंकि बड़ी सेलिंग बड़ी गिरावट स्टॉक अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते नज़र नहीं आ रहा था और फाइनली स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है। अब यहाँ से IRCTC हमको अप ट्रेंड दिखा सकता है, यहाँ से अब हाईली चांस बने हुए अप साइड के। एक दफ़ा इसके चार्ट पैटर्न को देखो, जहाँ से जब स्टॉक ने बाउंस बैक किया है, जंप आया, गिरावट आई, इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, अगेन जंप, गिरावट, ये लो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जंप, गिरावट, इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, जंप, जंप पर हाई ब्रेकआउट, अपना रेंज को ब्रेकआउट करते नज़र आ रहा है। अब अगर गिरावट आती है तो पहले जहां स्टॉक रिजेक्शन फेस किया करता था 940 का लेवल, अब यही लेवल इसके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इसी के आसपास से अगेन स्टॉक हमको बाउंस बैक दिखा सकता है और चार्ट पैटर्न भी अब हाई आ रहा है, बन रहा है, तो यहां से और अप ट्रेंड के चांस बने हुए। इमीडिएट टारगेट 950, ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 960 का लेवल और 960 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हमको 980 से लेके 1000 तक के टारगेट अब हमको शॉर्ट टर्म में ही IRCTC दिखाता नज़र आ सकता है। 1000 तक के भी टारगेट IRCTC में हमको फिर देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।